हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं आपका शाइन व्लॉग्स। तो मैं जा रहा हूँ कल जयपुर, तो आपके लिए एक से एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है, जिसको आप देखेंगे तो आप ही खुद से पूरी देखेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे उन वीडियो को। और आप अपने घर में जितने मोबाइल हैं ना, सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक काम करिए, सब्सक्राइब फ्री में होता है, कोई आपका खर्चा नहीं होगा उसमें। और मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। भैया, आपको जयपुर के रास्ते बहुत ही ज़बरदस्त रास्ते हैं। मैं अपनी स्विफ्ट से जा रहा हूँ कार से, और सब कुछ आपको बताऊँगा, कितना पेट्रोल खर्च हुआ, कितने टोल टैक्स आते हैं जयपुर तक जाने में। और जयपुर का हाईवे वही है NH-8, जो दिल्ली से बॉम्बे तक जाता है, वही हाईवे से मैं जाऊँगा। और आप देखेंगे, दिखाता हूँ आपको। 30 नवंबर को जाऊँगा मैं, 30 नवंबर 2020 है। ओके, आगे दिखाता हूँ वीडियो। हाय गाइस, तो अब मैं निकल रहा हूँ फाइनली जयपुर के लिए। तो आप देखेंगे, सो फाइनली हम निकल गए हैं यहाँ से जयपुर के लिए। आप देख सकते हैं मैंने 0 कर लिया है मीटर। सियाने पहुँच गया हूँ गाइस, मैं शूज चेंज करवाने आया हूँ यहाँ पे। मार्केट देखते हैं खुली हुई है दुकानें या नहीं। बड़ा जूता आ गया था, एक नंबर। शूज़ चेंज करवाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे मार्केट में। बड़ा जूता दे दिया था इन्होंने, और अभी तक 11 बज गए, शॉप भी नहीं खोली है। ये रहा शूज़ का डिब्बा। पेट्रोल यहाँ पे भरवाया है 2000 का। ये हम बीबी नगर वाली रोड पे चल रहे हैं। गुलाबटी आएगा, गुलाबटी के बाद सिकंदराबाद, फिर सिकंदराबाद से हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से 70 किलोमीटर बैठता है ईस्टर्न पेरिफेरल हमारे यहाँ से। सिंगल रोड ही आएगी वहाँ तक, सिकंदराबाद तक। उसके बाद एक्सप्रेस वे आ जाएगा। 100 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पर रहेंगे। 120 किलोमीटर के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे आ जाएगा। फिर दिखाता हूँ आगे का आपको। 26 किलोमीटर आ गए अभी तक, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा आधे घंटा हो गया यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ गुलावटी की रेलवे क्रॉसिंग हो रही है। जो फ्लाई ओवर है, ये 4-5 साल से बन रहा है, आज तक नहीं बन पाया। गुलावटी का फ्लाई ओवर है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, ये आज तक तैयार नहीं हो पाया। सिकंदराबाद आ गए हैं अब। इसके आगे 8 किलोमीटर आगे ईस्टर्न एक्सप्रेस वे आ जाएगा, वहाँ पर हमें जाना है। बस टोल टैक्स पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बाथरूम आ रहा था टॉयलेट, तो टॉयलेट करने के लिए उठ रहे हैं। 120 रुपये का टोल है यहाँ। फर्स्ट टोल आया है, देख सकते हैं। 120 रुपये का टोल है गाड़ी का। गाड़ी है खड़ी, यहाँ होटल बने हुए हैं। हम जाएंगे जयपुर के लिए। बोर्ड देखिए, बोर्ड लिखा हुआ है जयपुर अहमदाबाद कोलकाता मुंबई। अब ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पे मेंटेन होगी सही स्पीड, 120-130 की स्पीड। बहुत देर से 60-70 की स्पीड पे ही आ रहे थे। दूसरे तीसरे फोर्थ गियर में ही आ रही थी गाड़ी। सेकंड टोल आ चुका है, ये सेकंड टोल लगेगा यहाँ पे। तीसरा टोल आ गया है यहाँ पे, माइनस होंगे पैसे सेकंड टोल के। फिर ये ईस्टर्न एक्सप्रेस वे भी हो गया यहाँ से ख़त्म, यहाँ से दूसरा शुरू होगा हाईवे। मानेसर वाला 60 किलोमीटर का था, वो पूरा हो गया। ये पलवल वाला है, वो सीमेंट की सड़क थी, डामर की बनी हुई है। मानेसर 60 किलोमीटर रह गया है, 140 किलोमीटर आ गया, 140। देखिए ये हाईवे पूरा, दिखाता हूँ आगे का। बहुत देर हो गई, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया, जाम था। उससे पहले सिंगल रोड रहती है ना 70 किलोमीटर तक, उसके बाद ईस्टर्न एक्सप्रेस वे आता है, फिर वो 60 किलोमीटर वहाँ चलते हैं। पलवल एक्सप्रेस वे है,
पलवल नू आता है आगे, मेवाती हो गई जो गांव है ना वो पीछे ईस्टर्न एक्सप्रेस वे था, अभी ये पलवल वाला आया 60 किलोमीटर का, मानेसर आ जाएगा अभी दिल्ली जयपुर हाईवे से। देखिए ये कितने खूबसूरत व्यू शुरू हो गए हैं, अरावली हिल्स शुरू हो गई हैं राजस्थान की। फिफ्थ आ गया है टोल टैक्स, मानेसर भी आ गया है सामने, दिल्ली जयपुर हाईवे 185 पे आ गया है, 185 किलोमीटर आया। ये वाली साइड सीधे हाथ पे जा रही है सड़क हरियाणा की तरफ, सोनीपत पानीपत, और ये दिल्ली जयपुर हाईवे पे आ जाएंगे। यहाँ से दिल्ली जयपुर हाईवे आ गया है, ये गुड़गांव से आ रही है, ये रोड जो आ रही है पीछे देख सकते दिल्ली से आ रही है। जब ये ईस्टर्न एक्सप्रेस वे नहीं था तो ये वाली रोड से ही आना पड़ता था, दिल्ली होते हुए गुड़गांव होते हुए थारूहेड़ा दिल्ली जयपुर। बस अंडा बाबे पहुंच गए हैं, 200 किलोमीटर आ गए हैं अभी तक, घर से चले थे, बहुत देर हो गई, लग गई इस बार। यहाँ पे कुछ खाना वाना खाएंगे, दिखाता हूँ आपको क्या खाता हूँ। बहुत ही अच्छा ढाबा है ये, मानेसर में आता है ये, 200 किलोमीटर रह गया है जयपुर। बसंत ढाबा है देख सकते हैं, गाड़ी है खड़ी अपनी। दिल्ली जयपुर हाईवे है ये देख सकते हैं आप, ये सीएनजी का पेट्रोल पंप है, यहाँ बच्चों का खेलने का भी है, बहुत ही अच्छा ढाबा है। अभी धूप सामने से पड़ रही है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये रही गाड़ी। बसंत ढाबा है देख सकते हैं आप, एंट्री है। तो ये आ गई है हमारी स्पेशल थाली, बसंत ढाबा की स्पेशल थाली है, दाल सब्जी पनीर शाही पनीर मिक्स वेज राइस सलाद, और ये देखिए रायता प्याज हरी मिर्च, स्वीट डिश में और आएंगे यहाँ पे गुलाब जामुन। 320 रुपए की एक थाली है ये, खाता हूँ अब मैं। खाना खा लिया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी। नहीं होती है थाली की, एक आदमी थे तो खाए नहीं जाता, एक थाली दो खाएं तो वो ज़्यादा सही रहता। और अब पी रहे हैं चाय, कुल्हड़ में चाय आई है, बहुत शानदार चाय है। खाना पीना हो गया है, बैठ रहे हैं, 4:15 बज गए हैं, 4:15 हो गए हैं, देर हो गई इस बार। निकल रहे हैं बसंत ढाबा से, शाम हो जाएगी अभी पहुंचते पहुंचते, 7 बज जाएंगे मेरे ख्याल। 6th आ गया है ये, 6th टोल टैक्स है, 247 आ गए हैं, 247 किलोमीटर, और शाम के 5 बज गए। जयपुर 147 रह गया है 47 किलोमीटर, यहाँ में मैंने रोकी है गाड़ी, रात होने वाली है तो मैं दो शीशा साफ कर लूँ, वाइपर से तो हो नहीं रहा सही से।
दिखा दूँगा आपको यहाँ का व्यू, सनसेट हो रहा है देखिए। दोनों साइड पे है हाईवे की, सवा छः बज गए और एक हाईवे की ये रहा जहाँ हम खड़े हुए हैं। चौक ना जाना हाईवे का, ये रही अपनी कार। तीन सौ बीस किलोमीटर आ गए हैं, सवा छः बज रहे हैं और 80 किलोमीटर हो गया है जयपुर। दिखाता हूँ आपको, और आगे यहाँ पे रुका था हाईवे किंग पे, ये देख लिए, चाय वाय पीता हूँ और 80 किलोमीटर बचा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। जयपुर आए हुआ हूँ, यहाँ की और भी वीडियो आएंगी आपके लिए अच्छी अच्छी, देखिएगा और शेयर करिएगा। सातवां आ गया है ये टोल टैक्स, जिसमें से पांच में दिए हैं हमने पैसे और दो टोल टैक्स थे पैसे वाले जो स्लिप देते हैं, और हम आ गए हैं 342 किलोमीटर, 55 और रह गया है जयपुर यहाँ से। पास आ गया है सामने जयपुर का, हम जयपुर के आउटसाइड में जा रहे हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे बाईपास से और सीधे जाएंगे तो आप शहर आ जाएगा जयपुर सिटी। बाईपास से बार बार ले जाता है लोग, जो लोग आगे जाने वाले हैं बॉम्बे अहमदाबाद वाले लोग या ले बाईपास पे घूम जाते हैं, ये सीधी जा रही है जयपुर शहर के अंदर। लास्ट टोल आ गया है ये आठवां, लास्ट 375 हो गए किलोमीटर, 7:09 हो गए।